मेजबान पे नहीं सो, तो फिर देखो मेन टॉपिक है प्रीपोजिशन। क्या प्रीपोजिशन को जोड़ते हैं तभी वर्ड बनता है, सॉरी वर्ड प्रीपोजिशन से ही वर्ड को जोड़ते हैं तो सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस नहीं बनेगा तो इंग्लिश एक लाइन का चीज कुछ बोलते हैं ना इंग्लिश में, एक लाइन का चीज जो बोले है वो लाइन क्या चीज से बना है, तो वर्ड को जोड़ जोड़ करके, और वर्ड क्या चीज को क्या चीज से जुटा है प्रीपोजिशन से, वही पढ़ रहे थे। अबाउट का मतलब पढ़े थे, क्या होता है हिंदी के बारे में या बारे में, क्या बात है, जैसे बोलेंगे रामू के बारे में तो क्या बोल देंगे, इस टाइप का सेंटेंस बना लेंगे ना, देंगे क्वेश्चन। दूसरा इन पढ़े थे, इनका यूज किस सेंस में करते हैं, मैं के सेंस में, अबाउट का किसके किसके सेंस में, के बारे में। उसके बाद मैं का यूज ऐसे भी एक बार होता है, एक तो इनका ये करते हैं मैं के सेंस में, एक ये करते हैं बड़ा के सेंस में, ये बताए थे समझो, बड़ा होने के सेंस में भी इसका यूज करते हैं। जैसे बात करेंगे, जैसे तुम बोलेगा कि मैं दरभंगा में कैदराबाद में रहता हूँ, ठीक है ना, क्या बोले तो पहले बना मैं रहता हूँ का क्या होगा, आई लिव, हिंदी होगा मैं रहता हूँ। अगर बोल दिए कि मैं इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया बड़ा है ना, आई लिव इन इंडिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे इंडिया। लेकिन तुम बोल दिया मैं गांव में रहता हूँ तो गांव छोटा हो जाता है ना, आई लिव एट विलेज बोलेंगे, बोलते भी हम लोग तो बोलते नहीं, रट लेते हैं हम लोग, मतलब बोलते रट लेते हैं, रट ये लेते, आई लिव एट रनवे, रट ये लिए हम बचपन में, कभी कोई पूछता था वेयर डू यू लिव, कुछ पूछा सीधे कह देता आई लिव एट रनवे, लटा जाता है हो जाता है। तो एट क्यों लगा पता है, छोटा स्थान को दिखाना है एट दिखाएंगे, बड़ा स्थान को दिखाना है इन दिखाएंगे, कहना ये चाह रहे हैं कि मेक का दो गो इंग्लिश हो गया, नहीं हो गया, एगो इन हो गया, एगो अलग अलग यूज, सब यूज सीखो आराम से, इनका यूज छोटा के लिए करेंगे कि बड़ा के लिए, और एट का यूज बड़ा के लिए करेंगे कि छोटा के लिए, छोटा के लिए करेंगे। दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, तो बोलेंगे मैं इंडिया में रहता हूँ आई लिव इन इंडिया, मैं गांव में रहता हूँ आई लिव एट विलेज, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जैसे हम बोल दिए कि मैं दरभंगा में कैदराबाद में, लेकिन रियल में सर कैसे पता चलेगा किसी को कि इंडिया बड़ा है कि गांव बड़ा है, नहीं पता, नहीं जानता इंडिया क्या है, नहीं जानता है विलेज क्या है, तो उसको पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसे तुलना करने में इन और एट का यूज करते हैं। और दिखाते हैं, जैसे हम बोल दिए कि मैं दरभंगा में कैदराबाद में रहता हूँ, तो पहले बनाओ कि मैं रहता हूँ आई लिव, अब बताओ दरभंगा और कैदराबाद में, दरभंगा बड़ा है कि कैदराबाद बड़ा है, दरभंगा के अंदर ना कैदराबाद होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन इन दरभंगा और एट कैदराबाद, पॉइंट समझ में आया। अगर तुम कर दिया गलती से आई लिव, अगर इसको कर दिया एट और इसको कर दिया इन, कर सकते हैं ना, आई लिव एट दरभंगा इन कैदराबाद, इसका मतलब कैदराबाद के अंदर दरभंगा आता है, इसका मतलब कैदराबाद बड़ा है और छोटा क्या है, रियल में हम लोग तो पता है ना कि दरभंगा बड़ा है कैदराबाद, तो कहीं लिखा लिखल देखेगा आई लिव इन दरभंगा एट कैदराबाद, समझ जाएगा दरभंगा के अंदर कोई जगह है कैदराबाद, हो गया। जैसे बोलेंगे आई लिव इन दरभंगा एट केवटी, इस दरभंगा के अंदर केवटी आता है कि केवटी के अंदर दरभंगा आता है, तो किससे पता चला, इनसे और पॉइंट समझा ना, उल्टा कर एग्जाम में सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो यहां फिल द ब्लैंक्स रहेगा या यहां फिल द ब्लैंक्स रहेगा, एक ही कौन देगा एक साथ में, तो यहां देगा तो यहां इन लगल होगा तो यहां एट लगेगा, देख करके आराम से पढ़ करके सीधे आंसर मत बोल देना, कैसे बनाने से क्वेश्चन को एक बार देखते भी है कम से कम, बच्चा लोग क्या करता है एग्जाम में क्वेश्चन मिला सीधे बनाना शुरू, 15 मिनट की समय भी देता है देखने के लिए, देता कर पढ़िए ना क्वेश्चन क्या हो गया, तो 15 पढ़ो क्या दिक्कत है, जो ले लिख 15 मिनट देता है कि लिखा तो 15 मिनट एक्स्ट्रा तक पढ़ने, मतलब पढ़िए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दौड़ने के तुरंत आंसर आ जाएगा, 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड लगता है आंसर आने में, 1 मिनट भी लग जाता है, इसलिए क्वेश्चन क्या करें पहले आराम से पढ़ लीजिए, जो आराम से मारना ही आंसर घबराने को आती है, पढ़ के गया तो भी दिक्कत क्या है, लेट बनाएंगे तो आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना, इन्हें की सीधे देखा खाली स्थान और मार दो ऐसा ना सीधे मार देगा, क्योंकि आपको पढ़ना है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझना, चलो तो इनका कमाल समझ में आ रहा है, एट का समझ में आ रहा है, और बोलो विथ का बाकी था, विथ का मतलब होता के साथ, क्या होता है के साथ, हिंदी निकालेगा तो इसका हिंदी होगा लेकर, हिंदी क्या होगा, हिंदी होगा से, हिंदी पे जाएगा तो फंसेगा भाई, हम भी फंसते थे उतना ना दिमाग लगा सीधे रट लिए, जैसे बोलेंगे पापा के साथ, पापा के साथ, तो यहां तो क्लियर है सर, अपोजिट बनाना है, पहले क्या बनाएंगे विथ,
पापा को पापा बोल दो या कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया, जैसे मान लो लेकर पे बनाएंगे तो जैसे बोले छाता लेकर, हाँ छाता लेकर, तो क्या बोलेंगे विथ अम्ब्रेला, ये भी बन गया, समझ में आया। जैसे तुम्हारा मोबाइल लेकर, जैसे तुम आ रहा है तुमको पहले मोबाइल लेकर आना, तो कम आना तो कम उसको छोड़ो, हमको तो फिर भोजन फोकस करना है ना, आना आग सीख जाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस में बताएंगे छाता लेकर आओ, मोबाइल लेकर आओ, कुछ भी लेके आओ, तो बोलेंगे छाता लेकर आना, तो आना का कम हो गया, तो कम उस मोबाइल, बोलेंगे पैसा लेके आना कम विथ मनी, साइकिल लेके आना कम विथ साइकिल, तो लेकर का क्या हो जाएगा लेकर है, जब भी तुम किसी चीज के साथ आएगा ना तो विथ उठा के लाइएगा आराम से, जैसे छोटा भाई को लेकर आना तो कम विथ यंगर ब्रदर, है ना, जो भी जाएगा यूज कर लेगा। एक और था से का मतलब ही होता है, जैसे बोलेंगे कलम से, क्या बोले कलम से, तो क्या बोलेंगे, तो बहुत सारा तुमको मिलेगा विथ पेन, जैसे बोलेगा चाकू से, चाकू के नाइफ चलेगा चाकू, हाँ एग्जाम कौन तुमको बात लिखना है, तुमको मेन प्रीपोजिशन लिखना है ना, मेन तो प्रीपोजिशन क्वेश्चन आएगा फिल द ब्लैंक्स यहाँ रहेगा, तुमको सेंटेंस कुछ और है तुमको उससे मतलब, देखो सेंटेंस कैसा रहेगा, कुछ हो सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ हो आई हो यू हो वी हो ही हो सी हो इट हो राम हो मोन हो सोन हो कुत्ता हो बिला हो बकरी हो भैंसी हो, ये सब हो सकता है, हाँ सब्जेक्ट कुछ हो सकता है, तो तुमको उसको मतलब सब्जेक्ट देखकर प्रीपोजिशन आता है, आ जाओ उसके बाद क्या होगा तुमको वर्ब होगा, क्या होगा अब तुमको क्या होगा यहाँ पे प्रीपोजिशन, देखो यही स्थान अभी सिखा रहे तुमको, अब इसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट, मतलब तुमको यहाँ फिल द ब्लैंक्स रहेगा, यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ भी कुछ हो सकता है, यहाँ कोनो टेंस हो सकता है, वर्ब कौन हो सकता है, बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी सिक्स इज अमार वाज वेयर हैज वेयर डू दैट कुछ हो नहीं हो सकता है, कोनो बारो टेंस में कोनो टेंस हो सकता है, सब इसी वर्ब को देखना पकड़ता है, हमको इससे क्या मतलब है, हमको तो देखना फिर पोजिशन, पोजिशन देखना नाउनो देख के पता चल जाता है, नहीं हो जाता है, आने का बात हो रहा है कि जाने का बात हो रहा है, हाँ कभी कभी वर्ब से भी कमाल रहता नहीं रहता है, और कहीं से आ रहा है जगह को छोड़ के आ रहा होगा, तो बता यहां कौन आएगा कौन सा फ्रॉम की टू, मान लो यहां कम है भर्ग की जगह क्या लिखल है कम लिखल है, तो कम हो रहा है तो आ रहा है ना, आ रहा है तो जगह छोड़ के आ रहा होगा ना, तो छोड़ के आ रहा तो यहां क्या हो जाएगा, देखो कैसे प्रीपोजिशन बनता है आराम से सीखो, इधर सर जी मान लो यहां भर्ग बदल जाएगा, यहां हो गया गो, तो बता आ रहा है कि जा रहा है, तो जा रहा है तो फ्रॉम में रहेगा, तो यहां टू हो जाएगा, तो बच्चा नहीं समझते रहता है, थोड़ा सा बेसिक चीज सब है, क्या बोले छोटा छोटा बात बात को जोड़ते जाएगा ना तो इंग्लिश तैयार हो जाता है, छोटा छोटा बात को क्या करो जोड़ते जाओ, जैसे सब्जेक्ट जोड़े वर्ब जोड़े प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट जोड़े सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, जैसे आई प्ले विथ बैट, मैं बल्ला से खेलता हूं, नहीं हो गया आई प्ले प्ले विथ नाइफ, चाकू से खेलता हूं, नहीं बोल सकते हैं, तो छोटा छोटा बात जोड़े ना, जोड़े तो क्या बन गया, एगो सेंटेंस बन जाता है, क्या बन जाता है, हाँ अगर हाँ ऐसी प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अदर वर्ड्स नहीं बोल देते हैं, प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट हो तो क्या बोल देते हैं, अदर वर्ड्स बोल देते हैं, अदर वर्ड्स आ गया इसका मतलब क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, कुछ ऐसा भी सेंटेंस है जिसमें प्रीपोजिशन एवे नहीं करता है, जैसे आई प्ले क्रिकेट, इसमें क्या जरूरत है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, अगर था कि मैं बैट से क्रिकेट खेलता हूं तब यहां आएगा, देखो इस बाद में आता है, इसका मतलब जो सिखा रहे ना बाद में लगाना है, तो किसी भी टेंस के बाद लगा दो, इजमार के बाद लगा दो, वाजवेर के बाद लगा दो, सेल्फ विल के बाद लगा दो, बाद मतलब सब्जेक्ट वर्ब देने के बाद, ऑब्जेक्ट देने के बाद भी लगा सकते हैं, नहीं लगा दिया, देखो आई क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, अब फिर से लगा दिया क्या प्रीपोजिशन, अब फिर क्या है ऑब्जेक्ट बोलो, वही ना होता है, या तुम इसको शॉर्टकट में क्या बोल दो, ये क्या बात है, ऑब्जेक्ट बोलो या अच्छा उसको एमएस वर्ड बताओ, ऑब्जेक्ट बोलो या अदर्स बोलो, पॉइंट समझ आ रहा ना, तो बस आगे तुमको वॉइस में जोत पड़ेगा कि अदर वर्ड्स का वॉइस नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट लगा बनेगा, काहे कहता कि ऑब्जेक्ट को उठा के ले आइए, तो बताओ ये ऑब्जेक्ट है कि ये ऑब्जेक्ट है,
जैसे हम अभी तुम मिटा देते तुमको नहीं पता विथ बैट लिखल है, अब वॉइस में क्या होता है ऑब्जेक्ट को उठा के शुरू में ले आना है, तो इसको उठा के लाएगा किसको उठा के लाएगा, पॉइंट समझ में आ गया? तो वहां बस हल्का हिंट्स करेंगे, समझा तो यही दिए भाई, वहां का हिंट्स करेंगे ऑब्जेक्ट को उठा के रख देना, तो बच्चा क्या करता बैटो उठा के ले आता है, तो किताब में उसे बात छिल के नहीं लिखा रहता है ना, किताब थोड़ा चिल्ला चिल्ला के आर के सिन्हा ये ऑब्जेक्ट नहीं है वो बोला है ये नहीं है ये बोला है, थोड़ा चिल्ला के आएगा उसमें हल्का बोला बात लिखा रहता नोट उठ करके, तो नोट पढ़ता कौन है, सीधे क्वेश्चन आता रहता ना, नहीं आराम से समझना। चलो विथ क्लियर है, जब किसी भी चीज के साथ आएगा लेकर आएगा से आएगा तो क्या लगाएगा, और उसी को छोड़ दिया तो विथ में आउट लगा दो, देखो एक बार सीखा विथ सीखा तो विदाउट भी सीख गया, लेके आए तो क्या किया विथ छोड़ दो तो क्या लगा दिए, इसको विदाउट बस सेम चीज होगा लेकिन नहीं वाला होगा, बिना बिना आ जाएगा, जैसे के साथ बिना के साथ, लेकर बिना लेकर, से बिना से, जैसे इसी पे सेट कर देते जैसे बिना पापा के विथ होगा कि विदाउट हो जाएगा, तो जिसको विथ समझ में आएगा विदाउट भी समझ में आ गया, तुम सोच रहे हो सर कभी वहां विथ बोलते हैं यहाँ विद बोलते हैं, मन में आ रहा क्या, देखो उसी विथ को विद बोलता है लोग, जैसे हम लोग जिसको बिकाउज पढ़ते हैं ना, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते थे बिकाउज, बिकाउज पढ़ते थे, लेकिन नहीं बिकज पढ़ा जाता है इसको, बिकज पढ़ेगा ऐसे करके शॉर्ट कट में, वैसे विद को विद पढ़ते हैं, सेंस बदलते रहता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, जैसे हम लोग ए को ए पढ़ते ना, ए को ज्यादा उच्चारण अ का भी होता है उसका, हम लोग जिसको एप्पल बोलते हैं रियल में उसको अपल बोला जाता है, ए का उच्चारण अ हो जाता है, अंग्रेज सब जो भी था जिसको मदर टंग थोड़ा उस पर ज्यादा टंग बैठ गया होगा इंग्लिश में, तो वो एप्पल नहीं अपल बोलेगा, तुमको चप्पल सुना देगा, जबकि एप्पल तुम पहला दिन पढ़ा है बचपन से पढ़ते आ रहा है, नहीं बोलेंगे एप्पल तुम भी पढ़ लेगा, लेकिन अंग्रेज बोलेगा अपल, बोलेगा आई हैव आई हैव एन एप्पल, तुम कहेगा अपल वो चप्पल है बोला होगा, लग रहा है चप्पल बोला है चप्पल बोला होगा, तो अपल तुमको कहेंगे बताओ अपल क्या होता है, तुमको अपल पहला दिन दुनिया में सुने हैं, अब बोलेंगे एप्पल ए सर लाइए चापो जाएंगे चार बजे, तो मतलब वही चीज है वही बात, अगर वो लोग बोला जो इंग्लिश जिसका मदर टंग है वो बोला तो थोड़ा सुनने में अजीब लगा क्या बोला था, जिनको हम लोग तुम लोग बोल देगा हम लोग प्रोनाउंसिएशन एप्पल ज्यादा कर लिए तो बैठ जाता है ना, वो लोग अपल का प्रोनाउंसिएशन कर लिया उसको बैठ गया, अंतर नहीं है कुछ, बात वही हो रहा है, तो बोलेंगे बिना पापा के विदाउट फादर, बोलेंगे बिना कलम से विदाउट पेन, बोलेंगे बिना छाता के विदाउट, बोलेंगे बिना मोबाइल के क्लास आएगा तो कम विथ विदाउट मोबाइल, दोनों बोल दिए क्या, देखो दोनों को बोल दिया कम विथ विदाउट मोबाइल होगा, एक जंगल में दो गो शेर नहीं रहेगा तो विथ और विदाउट कैसे बोल दीजिएगा, कोई एक प्रीपोजिशन स्ट्रक्चर क्या बना है, सब्जेक्ट भर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट दो गो कोई एगो, अगर विथ आ गया तो विदाउट नहीं आएगा, विदाउट आ गया तो विथ नहीं आएगा, इन आ गया तो एट नहीं आएगा, एट आ गया मतलब कोई एक प्रीपोजिशन एक साथ दो गो प्रीपोजिशन, हाँ आगे आ सकता है, देखो एक साथ मतलब एक साथ नहीं आएगा कभी भी, जैसे देखो विथ, देखो विथ और विदाउट एक साथ नहीं आएगा, वो यूटी है, ये कैसे कभी हो सकता है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक प्रीपोजिशन ये एक प्रीपोजिशन ये दो प्रीपोजिशन एक साथ देखते ही समझना गलती है ना, लेकिन एक सेंटेंस में चार बार प्रीपोजिशन आ सकता है लेकिन अलग अलग वर्ड होगा ना, नहीं समझा, अब दिखाते हैं देखिए यहां लिखते हैं, देखो जैसे आई गो टू पटना बाय बस विथ कनिया, हाँ था किसी और के साथ जाएगा तुम दूसरे कनिया, अब ठीक है अब ठीक है ना, नहीं तो देखो क्या को आया, देखो एक साथ नहीं आया, फिर यहाँ टू आया है, यहाँ बाय आया है, यहाँ विथ आया, छोड़ो क्या लिखा है विथ आया, क्या हुआ आया है, तीन को आ गया कि ना आ गया, टाइम लिख देते हैं एट सिक्स ओ क्लॉक इन द इवनिंग, मन भी जाएगा घूमने के लिए यहाँ पर लेकर के, बाप रे बाप मंदिर जा रहा है क्या, ए मुआनी में कन्या को लेकर घूमने जाते रहे, जाता है लगता सामने तक गर्लफ्रेंड को लेके जाएगा ना, अच्छा देखो तो देखो एट हो गया इन हो गया और कहीं है, देखो क्या एक दो
तीन चार पांच, पांच को लगा दिए, एक साथ लगा है। लेकिन देखो प्रीपोजिशन जोड़ते गए, प्रीपोजिशन आया अगला वर्ड आया, प्रीपोजिशन आया अगला वर्ड आया, प्रीपोजिशन आया अगला वर्ड आया, कन्या प्रीपोजिशन आया टाइम आ गया, प्रीपोजिशन आया टाइम आ गया। क्या बिना प्रीपोजिशन के इतना बड़का सेंटेंस होता? नहीं, इतना ही टकरा जाता। कितना टकरा जाता? लेकिन प्रीपोजिशन आया चैप्टर में, इसलिए आज इतना बड़का बात बोल सकते थे। अगर जरा सोचो ये चैप्टर नहीं होता तो तुम बोल पाता? नहीं नहीं बोल पाता। पॉइंट समझ में आया? जैसे तुम बोलते आई गो पटना बस, नहीं बोलते आई गो पटना बस कन्या, नहीं इसका हिंदी हिंदी है ना। मैं बता रहे हैं, मैं शाम में देखो पढ़ना कैसे प्रस्तुत, हम जो पढ़ना सिखा देते हैं ना, पढ़ने से उल्टा पढ़ना है, सीधा नहीं पढ़ा, सीधा पढ़ा जाता है। पहले पढ़ना सिखा देते वो पढ़ देंगे, ठीक है। देखो इसको जो मान लो क्योंकि इंग्लिश लिखल है और तुमको उसका हिंदी जानना है तो तुम लोग सीधा पढ़ता होगा ना, वही तो गलती है। उल्टा पढ़ना है, पढ़ा कैसे जाता है? सीधा ही पढ़ देंगे बाद में, पहले पढ़ना सिखा देना, उल्टा पढ़ना। देखो क्या करना, पहले तुम सब्जेक्ट बोल देना, सब्जेक्ट क्या है, फिर क्या बोलना, भर बोल देना, ठीक है ना। नहीं नहीं सिर्फ सब्जेक्ट बोलना, भर नहीं बोलना। पाला वाला बोल दिया मतलब यहां पे टिकट कटा लेना, मैं बोल दिया अब चुपचाप चल जाओ लास्ट में, लास्ट ट्रेन आएगा धुकुर 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 करके, तब नहीं यहां तक आएगा, मैं दोबारा पढ़ेगा। देखो हमेशा मैं पढ़ दिया ना, उल्टा पढ़ो। अब जाओ देखो, देखो कैसे पढ़ेंगे, देखो ना मैं पढ़ दिया, पहले सब्जेक्ट पढ़ देना जो भी रहे, मैं रहे तुम रहे राम रहे मोहन रहे सोन रहे कुत्ता बिला कुछ रहे भैंसी जो भी रहे, ठीक है। आ जाओ मैं पढ़े, आ जाओ सुबह में 6 बजे, सुबह में अच्छा शाम में 6 बजे कन्या के साथ बस से पटना जाता हूँ, मैं जाता हूँ पटना, ऐसा कोई बोलता है मैं जाता हूँ, मैं पटना जाता हूँ कि मैं जाता हूँ पटना, अच्छा मैं जाता हूँ पटना का इंग्लिश क्या बनेगा, यही बनेगा मैं पटना जाता हूँ, मैं जाता हूँ पटना, जाता हूँ मैं पटना। हम लोग कैसे भी बोलेंगे लेकिन जैसे मैं, तुम क्या बोलेगा, मैं जाता हूँ, एक ही बोल सकता है, हिंदी बता रहे हिंदी, लेकिन हम हिंदी ऐसे पढ़ते हैं। अच्छा कोई कोई बच्चा नहीं जानता तो क्या लिखेगा, मैं हूँ जाता, जाता हूँ मैं, जाता हूँ मैं आता क्या, गाना देखो गाना भी है हाँ ना, कौन गाना है रे, जाता हूँ मैं जल्दी, हाँ जाता हूँ मैं है कि कुछ और बोलता है, चलती हूँ मैं, पता नहीं लेकिन है गाना, गाना ना इतना बता उसी का लाइन है रे, सॉरी ना गाना ना बता उसी में बोलता है जल्दी है क्या, उसी गाना में बोलता है, पता नहीं कुछ होगा। चलो सर देखो इसको पढ़ सकते, मैं जाता हूँ क्या बोले, मैं हूँ जाता और जाता हूँ मैं, लेकिन क्या सर हिंदी सही कौन सा है, हिंदी ये सही है, ये हिंदी क्या है, पढ़ सकते हैं लेकिन हिंदी क्या है तो बताओ, हिंदी एरर है तो इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश भी एरर हो जाएगा, इंग्लिश में होगा पहले बोल देंगे गो आई आई एम, आई तो लगेगा नहीं, आई गो बोलेंगे, इसको भी आई गो नाम बोलना पड़ेगा, जैसे इंग्लिश में बोलेगा अगर इंग्लिश में एम आई गो बोल दिया तो कुछ और हो जाता है, ऐसा एम आई गो तो होगा ही नहीं, आई एम गुड बोलेंगे, हाँ एम आई गुड बोल देंगे तो कुछ और नहीं हो जाएगा, या तो आई एम गुड बोलो या एम आई गुड बोलो, एम आई गुड बोलेंगे तो क्या मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड मैं अच्छा हूँ, बदलते रहता ना, हिंदी में ऐसा नहीं होता, हिंदी ऐसा बोल सकते हैं मैं हूँ जाता लेकिन कोई बोलता है, जाता हूं मैं लेकिन कोई बोलता, ये हिंदी है गलती है, सेंटेंस कंप्लीट है कैसा समझ तो रहा है, जाता हूं मैं क्या होता है, मतलब मैं जाता हूं रहा है तो तुम भी सेंस कैसा निकाला, खींच के यहीं पे ना ले गया तुम उसको, ये तो मतलब इंग्लिश से हिंदी पढ़ने का तरीका आ गया ना, कैसे पढ़ेंगे लेकिन फिर पूछते तभी पढ़ पाएंगे, पहले क्या बोल देंगे सब्जेक्ट, अब चल जाएंगे लास्ट में, ट्रेन में बैठे, ट्रेन में बैठा अब ट्रेन जाएगा दुकुर 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 करके आगे जाएगा तुमको कहां तक, पटने तक तो घटने हो जाएगा, पता नहीं कर रहा है, अगर तुम ये नहीं बोलेगा तो पता नहीं चलेगा जा रहा है क्या आ रहा है, पता गो ने बोला तो जा रहा है क्या आ रहा है पता चल रहा है। देखो जैसे बोलेंगे मैं शाम में 6 बजे कन्या के साथ बस से
पटना, अब बोलवे नहीं किया, बोलेंगे तो ना पता चलेगा, भर बोलेंगे तब ना पता चलेगा कि जा रहा है कि आ रहा है। ये बोल दिया ससुराल, अब के जाना है कि आना से बताए नहीं किया, समझ आ गया ना सीधा। मैं जाता हूँ पटना बॉस से कन्या के साथ 6 बजे शाम में। हाँ तुमको बता दे, तुम जाता था हमको बताता है नहीं बता तो रहा ओको कन्या बतल को तो ठीक है। चलो भंडारा होगा, तुम लोग जमाइन खा के आना, पानी फ्री रहेगा मेरी तरफ से, जितना पानी पी सको। कॉल में पानी निकाल, कॉल से भर देना ड्राम सब पानी भर के, अगर ना दाम पियो जितना पी सकता, आज फ्री है पानी। क्या किशन भर देगा ना, संडे को पानी फ्री है मेरे तरफ से। कहीं क्या प्रिंस, प्रिंस अकेला आया, कन्या कहाँ है प्रिंस, अकेले कन्या ब्याह नहीं हुआ है, पूरा गांव में अल्लाह है। अच्छा देखो हो गया समझे, क्या था छापो थोड़ा सा लिखो, देखो पापा के साथ आना, पापा के साथ आना, कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा, देखो पहले भर, पहले भी वन, और फिर क्या लिखेगा तुम अदर वर्ड्स, जैसे कम विथ फादर, अच्छा ना इसी स्ट्रक्चर में बनेगा। सब्जेक्ट नहीं दे रहे तुमको, सब्जेक्ट बोले है हमले पापा के साथ, सब्जेक्ट बोले है नहीं बोले, तो सीधे क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं इंपरेटिव, वो चैप्टर होगा ट्रांसलेशन में, इंपरेटिव यही होगा, पहले भी वन फिर अदर वर्ड्स। देखो उसके बाद कन्या को छोड़ कर आना, कम हाँ कम विदाउट वाइफ, हाँ पता चल गया कन्या छोड़ के आया तुम, तो फिर कन्या तुमको कहीं भी छोड़ देगी, कन्या को वाइफ लिखेंगे, पत्नी बोलेंगे समझ में आता है, कन्या समझ में आता है। आ जाओ उसके बाद मैं दरभंगा में केवटी में रहता हूँ, मैं दरभंगा में केवटी में रहता हूँ, आई लिव इन दरभंगा एट केवटी, एक ही बात है आंसर यही होगा, मैं दरभंगा में केवटी में रहता हूँ। क्या श्यामा मंदिर के बारे में, श्यामा मंदिर के बारे में, मैं दरभंगा में केवटी में रहता हूँ, अगला मैं अगला श्यामा मंदिर के बारे में, नेक्स्ट कुर्सी के नीचे, बोल दो कुर्सी के नीचे बारे में, कुर्सी के नीचे अगला कुर्सी के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बिना चाकू के, बिना चाकू के, चाकू उसके छाता लेकर, छाता लेकर बिना मोबाइल के मतलब ही निकल गया इसका मतलब रहता है, बिना मोबाइल के उसके, हाँ पटना से पाकिस्तान, घर के पीछे, घर के आगे, घर के बगल में, तीनों जगह, घर के पीछे, घर के आगे, घर के बगल में, घर के बाहर, घर के पीछे, घर के आगे, घर के बगल में, घर के बाहर, घर के ऊपर, घर के आगे, घर के पीछे, घर के बगल में, घर के ऊपर, घर के अंदर, घर के नीचे, सारा पोजीशन लिखो, हाँ सारा, घर के बाहर भी लिख दिया, जो घर के पीछे हुआ, घर के आगे हुआ, घर के बगल में हुआ, घर के अंदर हुआ, घर के नीचे हुआ, घर के अंदर हो गया, घर के ऊपर हुआ, सारा पोजीशन हुआ ना। अब क्या क्या हो सकता है,
तुम घर के कहाँ कहाँ खड़ा हो सकता है? घर से दूर, हाँ घर के कोना में। कॉर्नर, उसके नदी में कूदो। शायद क्लास में, पानी बर्फ में बदल जाता है। पानी बर्फ नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, पानी बर्फ में बदल जाता है। उसके बाद लिखना और कौन कौन पे बुझी सुने भाई, भाई हाँ, बस से ट्रक से साइकिल से, देखो बस से ट्रक से साइकिल से पैदल ऑन फुट होगा, बाकी में बाय होगा। सिर्फ पैदल जाएंगे तो ऑन फुट जाएंगे, बाकी कुछ से जाएंगे तो बाय से जाएंगे। प्रीपोजिशन ग्रामर में होगा, पूरा पढ़ लेंगे, कोई लगे जो एक दो को छुटल है कलम को बताएगा, कल लास्ट क्लास दे देंगे किसका। अच्छा चैप्टर सब है।